पोटेंशियल, वी नो दैट, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय वी बाय एल. लेट अस टेक दिस दिस साइड, ई इंटू एल इज वी. ये तूने ऑलरेडी पढ़ा था. अब हम वी को रिप्लेस करेंगे आई आर से, वी को रिप्लेस करेंगे आई आर से, करेक्ट है. आर को भी रिप्लेस करेंगे रो एल बाय ए से, आर को भी रिप्लेस रो एल बाय ए से, और इधर ई और एल चाहिए. याद रखना हमको किसका किसका चाहिए, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. करंट डेंसिटी हमने कल पढ़ा है. करंट डेंसिटी बोल फॉर्मूला क्या था, एम्पियर पर मीटर. गधेड़े फॉर्मूला यूनिट नहीं पूछा है, पागल है. मैं हजार बार समझा, रस्ते पे आते टाइम 3090 लेके मत आ. आई बाय ए, करेक्ट बोल, आई बाय ए. ओके, तो क्या ये आई बाय ए हुआ? ओहो हो, आई बाय ए हो गया, ये करंट डेंसिटी हो गया, करेक्ट है. ये एल ये मार डाला, इधर ई आया एंड यहां पे रो आया, फिर आ गया, आ गया ना रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी. कभी कभी क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है, रो हाँ, कभी कभी रो को वो लिखता है 1/σ. रेजिस्टिविटी इज 1/ कंडक्टिविटी. ये सब सिखाया मैं कल के क्लास में. हाँ, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जे बाय सिग्मा, सिग्मा विल गो, करेक्ट ना. रो इज 1/σ, 1/σ. तो एग्जाम में ये नहीं पूछता है, एग्जाम में क्या पूछता है मैं बताता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा इज जे. एग्जाम में पूछता है प्रूव दिस. एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेगा, ये इस पेपर में जब आया था ना 3 मार्क के, इतना ही पूछा, प्रूव दिस जे इज इक्वल टू सिग्मा ई. तेरा ब्रेन हिट करने का कि क्या करने का. डन, ओके, क्लियर. ये था आज का लास्ट डेरिवेशन 3 मार्क के लिए.